क्या लगता है जेडीयू के विधायक आपको तोड़ ही देंगे? क्यों मिलेगा, हम लोग किसी को तोड़ते उड़ते नहीं है, हम लोग जोड़ने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग तोड़ो नहीं जोड़ो में यकीन करते। कब तक ये हो जाएगा? हो गया सब, अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है, ये 12 तारीख को होगा, इसके बाद सब घोषणा हो जाएगा। सीपीआई एमएलए हमारे साथ अजीत कुशवाहा जी, स्वागत आपका भोजन। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी हर गठबंधन कर रही है, एक तरफ एनडीए गठबंधन और एक तरफ आई इंडिया गठबंधन। आई इंडिया गठबंधन का जो नेतृत्व करते थे नीतीश कुमार, वो तो पलटी मार गया, अब कैसे वो गठबंधन को संभालेंगे? चलेगा, हम लोग तो संभाल लिए हैं, हम लोग संभाल लिए, आप पता है विज्ञान होता है, विज्ञान जानता है सूरज है, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, आपको पता है कोई एक ग्रह टूट के निकल जाता है तो क्या वो चक्र बंद हो जाता है? नहीं, चक्र चलते रहता है, ये दुनिया है। सिर्फ एक नीतीश कुमार नहीं है, उधर ममता दीदी भी कह रही है कि हमें अकेले लगेंगे, अकेले भी गुप्त केजरीवाल जी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं, तो कैसे? नहीं, नाराज नहीं चल रहा है, ममता दीदी चुनाव लड़ रही है, अभी चुनाव लड़ने का बयान आया ही है, एकजुट है, ठीक है। देखिए गठबंधन बहुत बड़े लेवल का है, किसी सीट पे पूरा गठबंधन होगा, किसी सीट पे आधा गठबंधन हो सकता है, तो ये सब होता रहता है, हो सकता है कि कहीं कहीं चुनाव के बाद हो गठबंधन, ये भी तो होता है, चले भाई आप भी लड़िए तो जीतेगा, वो भी साथ हो जाएंगे, ये सब कुछ होगा। भले ही बिहार में सरकार बदल गई हो, भले फिर एक बार नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए हैं, लेकिन अभी तक विपक्ष हमलावर नहीं हुई है, क्या खेल होना बाकी है क्या? 12 तारीख जो टेस्ट फ्लोर होने वाले पे खेल होगा क्या? हमलावर क्या होना है, लड़ाई लड़ना है, विपक्ष लड़ रहा है, अभी तो विपक्ष और पक्ष बन जाने दीजिए ना, तब ना हमलावर होना है, नहीं बना देगा, मतलब अभी सस्पेंशन में है, कभी भी गिर सकती है, आप खुद सस्पेंशन में, मैं क्यों रहूंगा? हम लोग तो जो दिखता है वही हम लोग दिखाते हैं, वही तो दिख रहा है, तो सरकार का फ्लोर टेस्ट जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक सरकार फुल कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाती, पूरा बहुमत नहीं साबित हो जाता, तब तक तो बना ही रहेगा ना। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री से मिलकर आए थे, बयान सामने आया था कि 2 बार गलती कर दी है, अब इस बार गलती नहीं होगा, अब हमेशा जिसके साथ थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ थे, अब हम एनडीए के साथ और बीजेपी के साथ बने रहेंगे। जब एक बार गए गलती किए थे तो क्या बोले थे, आपको याद है? हाँ, मीटिंग में मिल जाएंगे। 2 बार गलती किए तो बोले, तीसरी बार गलती फिर बोलेंगे 3 बार हो गया, कैसे नहीं होगा, उनका तो यही है। क्या लगता है जेडीयू के विधायक आपको तोड़ी देंगे? वो मिलेगा, हम लोग किसी को तोड़ते उड़ते नहीं है, हम लोग जोड़ने वाले व्यक्ति हैं, हम लोग तोड़ो नहीं जोड़ो में यकीन करते हैं, हम लोग तोड़ेंगे नहीं, हमारे पास जो आएगा उसको जोड़ लेंगे। तो सरकार आखिर जब तक तोड़ेंगे नहीं तब फिर सरकार बनाएंगे कैसे? हम जोड़ेंगे ना। अच्छा, तोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, तोड़ने का काम किसी और है? पता नहीं तोड़ना क्यों है, क्यों तोड़ना है किसी को? एमएलए है, कोई पेड़ के शाख पे पतला कोई ये थोड़ा है कि तोड़ दीजिएगा उसको आसानी से, एमएलए टूटता नहीं, उसकी अपनी इच्छा है, उसका जहाँ दिल करेगा वो रहेगा, वो अगर आएंगे तो उनका स्वागत। अभ्यर्थी हमेशा से लाठी खाते आए हैं, आज भी लाठी खाने के लिए तैयार हैं, आखिर इस चीज़ को कैसे सुधारा जा सकता है, क्योंकि आप एक बिहार के सीपीआई के एमएलए हैं और आप युवा हैं, युवा को अच्छे दर्द को समझ सकते हैं, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए हम लोग तो भाई शुरू से आंदोलन से सहज से ही यहाँ पहुँचे, हम लोग तो आंदोलनों का समर्थन करते हैं शुरू से स्टार्टिंग से, तो इसलिए वो अपने सवालों पर लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़नी चाहिए, लाठियाँ गोलियाँ चलती रहती हैं, लेकिन जब तक लड़ाई नहीं लड़ेगा आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई चलती रहे। 1 लाख नियुक्ति पत्र बांटने के बाद भी युवा नाराज है, अभ्यर्थी नाराज है, एक लाख बेरोजगारी बहुत बेरोजगारी भयानक है, बहुत भयानक बेरोजगारी है, बहुत ज़्यादा लोगों को नौकरी देने की जरूरत है। 1.5 सालों से 17 महीनों तक आपकी सरकार रही, उसमें कुछ रोजगार 17 महीनों में बहुत सारा काम किया, वो तो बीजेपी वाले पिछले 17 वर्षों में उन्होंने कुछ नहीं, 17 साल बनाम 17 महीने बिल्कुल इस पर बात होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सदन में 12 तारीख से सदन चालू होने वाला है, सदन में विपक्षी के साथ अपनी बातों को आप रखते हैं, इस बार क्या क्या मुद्दा, क्या क्या एजेंडा रहेगा? मुद्दा स्पष्ट है, बिहार की जनता का दुखों का उनकी समस्याओं का निवारण हो, उसके लिए सरकार अपनी नीति बनाए, ये पूरा मुद्दा रहेगा हमारा मजबूती के साथ। वर्षों से आप सवाल उठाते हैं, जितने सवाल उठाए हैं कितना उसमें काम सफलता कितना मिला है? सवाल उठाएंगे सफलता मिलेगी, नहीं उठाएंगे नहीं मिलेगी, इसलिए सवाल उठाते हैं तो सफलता मिलती है, बिल्कुल मिलने ही मिलने हैं, जब आप संघर्ष करिएगा प्रयास करिएगा तभी तो सफल हो जाएगा, तो सवाल उठाना हमारा प्रयास है समस्याओं को खत्म करने का, समाप्त करने का, उसके लिए हम करते हैं। राम मंदिर को लेकर आप लोग कई सवाल खड़े किए थे कि राम मंदिर की जगह वहाँ पर हॉस्पिटल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, क्या ये सब हमने नहीं किया? हमने ये शुरू में कहा, आपकी गठबंधन कर रही थी, मैं भी कह रहा हूँ गठबंधन और मैं अलग नहीं,
वो दो समुदाय का जो युद्ध और लड़ाई चल रहा था जिससे उन्माद उत्पाद कर रहा था, 90 के दौर में जो बहुत बड़ा हिंसा उसके वजह से हुआ, तो इसके लिए सरकार उसके सेटलमेंट के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था करे कि दो समुदाय आपस में लड़े नहीं। ये तो भारत नहीं कह रहा था, आप नहीं कह रहा। लेकिन राम मंदिर का घोषणा हुआ, राम मंदिर बना, ठीक है बना, क्या दिक्कत, किसको दिक्कत। अब ये जरूरी नहीं ना भाई कि मंदिर में आप किसी मंदिर में सबको जाना जरूरी है, ये तो ऐसा नहीं होता है। सब लोग सब मंदिर में जाता है क्या? नहीं, जिस मंदिर में जाने का इच्छा होगा उसी मंदिर में जाएगा। आप क्यों सबको ये दिखा रहे हैं कि ये अयोध्या में नहीं आए तो देशद्रोही है, ऐसा थोड़ा होता है। राम जी तो अयोध्या में सिर्फ थोड़े रहते हैं। हम तो बचपन से राम जी की कहानी हमने नहीं सुना है कि हमें तुम में खड़ा खंभ में सब में व्याप रहा हूँ। जब हम में ही राम है तो कहाँ राम को खोजने जाए, हम तो उसी को मानते हैं। हम चेहरा की बात नहीं करते हैं INDI गठबंधन की, हम सीटों की बात करते हैं। क्या पेच जो फंस रहा था क्या क्लियर हो गया? बड़ा अलायंस है तो सीटों के बंटवारे में पेच तो फंसेंगे, लेकिन हमें यकीन है कि हम सब उसको मिल करके हल कर लेंगे। और कब तक ये हो जाएगा? सब हो गया, सब अब सिर्फ घोषणा होना बाकी है। ये 12 तारीख को इसके बाद सब घोषणा हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। हाँ, बाकी कई सारे स्टेट्स में तो हो ही गया, क्लियर हो गया। हमारे बिहार में ही फंसा हुआ है, बिहार भी हो जाएगा। तो लोकसभा क्षेत्र बक्सर से आपके तरफ से कोई चेहरा कौन सा खड़ा हो जाए? मैं इतना बड़ा नेता थोड़ा मैं चेहरा डिसाइड कर सकूं। हम आप तो गठबंधन से जुड़े हुए हैं, आप एक MLA हैं, तो आपसे चर्चा तो बनती है। विपक्ष में कोई तो चेहरा होना चाहिए ना। एकदम, चेहरा हमारे पास कई सारे चेहरे हैं, उसमें से पार्टी यूथ पर आप लोग भरोसा करेंगे या फिर? हम लोग सब यूथ पर भरोसा कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ से सब यूथ ही हैं। तो देखिए, उसमें जिनको भी पार्टी महागठबंधन टिकट देगा उनके लिए हम लड़ेंगे पक्का। हाँ, जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री चेहरा का कोई विकल्प ही नहीं है, पीएम के, पीएम मोदी के विकल्प कोई रहेगा तब तो कोई लड़ेगा। पीएम मोदी 24 का 29 तक राज करेंगे, 29 के बाद कोई बात करेगा उनका? तो भाई आया था अंतरिम बजट, उसमें निर्मला सीतारमण तो 2047 तक कह रही है। हाँ। नहीं देखे ना, देखते जगह खाली नहीं है, पता नहीं जगह खाली थोड़ा होता है, खाली करना पड़ता है। 2024 में क्या लगता है? लगता क्या, हम तो जीतने के लिए लड़ेंगे जी, लगना ना लगना जनता डिसाइड करेगी, हम तो लड़ेंगे। 400 से पार का नारा सब लगा रहा है और बिहार में 400 लोकसभा सीट पर बोल रहा है सुपड़ा साफ कर देंगे। वो क्या बोलेंगे, मान लीजिए वो क्या बोलेंगे, सबका बोलने का अपना अपना तरीका होता है। तो जो सत्ता में पार्टी हो तो यही कहेगी कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जो विपक्ष में वो कहेगी कि हम सत्ता में आ रहे हैं। वो तो सिंपल बात है, इसमें क्या अलग बात है। वो जनता जवाब देगी, उसकी जनता के ही पास राइट है, जनता ही कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ CPI MLA अजीत कुशवाहा जी। और इस बार केंद्र में किसी सरकार, इसका जनता मालिक है, वो भी आने वाला वक्त में पता चल ही जाएगा।